हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका कश्यप एंड आई एम मधुलिका। और आज मैं बात करूंगी आपसे, जो मैंने लास्ट दो वीडियोस बनाए थे, जिसमें मैंने पहला वीडियो बनाया था कि आपको जो थायराइड लैब टेस्ट है वो करवाना क्यों जरूरी है और कौन कौन से थायराइड लैब टेस्ट होते हैं T3, T4 और TSH के अलावा। वो दो टेस्ट कौन से होते हैं जो मैंने आप लोगों को उन वीडियो में बताया था, RT3 टेस्ट और एंटीबॉडीज TPO-NTG का टेस्ट। उसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो मैंने बताया था, उसमें मैंने थायराइड लैब टेस्ट का एक पैटर्न आप लोगों से डिस्कस किया था, जिसमें RT3 को कंसिडर किया था और T3 को कंसिडर किया था कि अगर ये अप डाउन होते हैं तो कौन से सिम्टम्स आपको पता चलेंगे और उसको किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन। तो उन दोनों वीडियोज के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लेकिन इससे रिलेटेड मुझसे जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में मैं आज बात करूंगी आपसे। और दूसरा, मैंने खुद एक स्पेशली डॉक्टर से बात की थी, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनका वीडियो मैंने देखा था तो मुझे लगा कि काफी अच्छे हैं वो, उनसे मैं बात कर सकती हूँ। जनरली मैं किसी थायराइड जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे बात नहीं करती, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी अपना एक स्टेटस फिनोमिना होता है, वो एक चीज को लेकर चलते हैं कि यही ठीक होता है। लेकिन उनसे बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे ये क्वेश्चन भी पूछा कि डॉक्टर साहब, जब आप किसी भी थायराइड पेशेंट को देखते हैं तो RT3 टेस्ट को क्यों कंसिडर नहीं करते हैं, आप केवल T3, T4 एंड TSH के टेस्ट को ही क्यों बताते हैं, आप ये क्यों नहीं कहते कि RT3 का टेस्ट भी कराएं। क्योंकि RT3 क्या होता है, रिवर्स T3, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो स्टार हार्मोन जो होता है, जिसको मास्टर हार्मोन कहते हैं, और वो होता है T3 हार्मोन। इसके बिना आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती है और वो कन्वर्ट होता है T4 से, यानी कि T4 कन्वर्ट होता है T3 में आपके अंदर, तो उसके लिए आप क्यों टेस्ट नहीं लिखते हैं। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि इंडिया के अंदर ये टेस्ट कोई लिखता नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा होता है, और अगर US डॉलर्स, जो अगर कोई बाहर लोग हैं जो देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो इंडिया के बाहर के भी हैं, US वगैरह के हैं, तो उन्होंने भी मुझसे पूछा था, तो ये इसके जो कॉस्ट है वो है $10 to $45 तक इसकी कॉस्ट जाती है, और ये लैब टू लैब डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवाते हैं और ये कॉस्ट तब वहां जाती है। लेकिन इंडिया के अंदर जो मुझसे पूछा था, बॉम्बे से कमेंट आए थे और भी सिटी से कमेंट आए थे कि हमें जो RT3 टेस्ट है उसके बारे में पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ से होगा, लैब जो पैथोलॉजी सेंटर में गए तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जो लाल पैथोलॉजी सेंटर, लाल पैथोलॉजी लैब जो है, ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, इसको आप एक बार इस पे जाइए गूगल के थ्रू और आपको पता चल जाएगा, वहां पर RT3 टेस्ट किया जाता है और वहां से आप रिवर्स T3 का टेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद आप मेरा जो प्रीवियस वीडियो है आप उसको देख सकते हैं कि अगर आपका रिवर्स T3 टेस्ट जो होता है हाई होता है और T3 जो होता है लो होता है, तो उसमें क्या आपके सिम्टम्स देखने के लिए आते हैं और उसको किस तरीके से विदाउट एनी मेडिकेशन आप ठीक कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं T3 के, रिवर्स T3 के बारे में, RT3 के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रही हूँ और आप लोग उसके साथ वर्क भी करना चाहते हैं और ढूंढ भी रहे हैं कि हम टेस्ट वो कहाँ से कराएं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि वो और ये जो लाल पैथोलॉजी लैब सेंटर है, ये हर इंडिया के हर सिटी में मोस्टली आपको मिल जाएगा और वहां पे आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली इसमें बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि स्पेशली मैं उन जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे, जो कि बताते हैं मुझे कि हमने आपके वीडियोस देखे और आपके वीडियोस देखकर हमने आपकी बताई हुई जो चीजें हैं उनको फॉलो किया, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका थायराइड जो है वो नॉर्मल रेंज में आ गया है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो TSH लेवल है जो उनका विदाउट एनी मेडिकेशन ही काफी लेवल में आने लगा है, और उनकी जो डोजेज हैं MCG की वो भी रिड्यूस होने लगी हैं। तो ये मुझे जानकर बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। लेकिन इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं और आप लोगों को देना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी लेडीज हैं जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं या फिर प्रेग्नेंट है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने थायराइड सप्लीमेंट के बारे में आप लोगों को बताया था कि आप सप्लीमेंट के थ्रू भी, अगर आपकी बॉडी के अंदर सप्लीमेंट की, यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जिनको थायराइड न्यूट्रिएंट भी कह सकते हैं, उनकी डेफिशिएंसी अगर है, जैसे विटामिन डी, के, B12 और इस तरह की, जो अगर आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है
तो भी आपका जो थायराइड रेंज आता है वो सही नहीं आता है। तो उनके लिए आपको बहुत अच्छे किसी अच्छी कंपनी के मल्टीविटामिन्स की तरफ एक बार जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी जनरली आपको साल में 2-3 बार अच्छी कंपनी के मल्टीविटामिन्स को जरूर लेना चाहिए। इसको रेगुलर नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी साल में 1-2 बार आपको मल्टीविटामिन्स की एक जो शीशी आती है उसमें 90 या 60 ऐसी टेबलेट्स होती है, तो आप उसको जरूर लीजिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई है तो थायराइड ही क्या, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे भी आपको बचना बहुत आसान हो जाता है। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो उसके बारे में मैंने बताया था, तो उनमें से जो एक दो लेडीज थी उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं प्रेग्नेंट हूं और क्या मैं मेडिसिन जो है छोड़कर और केवल सप्लीमेंट के थ्रू भी जा सकती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं, प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। वैसे भी मैं कई वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि जो भी थायराइड के पेशेंट हैं और जिनका थायराइड रेंज बढ़ा हुआ है और जो किसी गायनोकोलॉजिस्ट के अंडर है डायग्नोज उनको होता है, अगर वो उनको थायराइड की टेबलेट दे रहे हैं, थायरोक्सिन, लिवोथायरोक्सिन, एथ्रोक्सिन कुछ भी दे रहे हैं, तो प्लीज आप उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि उनकी पूरी रिपोर्ट, आपकी पूरी रिपोर्ट जो है वो उनके पास है। और थायराइड जो ये जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, इससे में थोड़ा सा हॉर्मोन्स जो होते हैं इम्बेलेंस होते ही हैं, और अगर आप कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो भी आपको पहले गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपनी पूरी जो प्रोफाइल रिपोर्ट है जो वो तैयार करवाते हैं टेस्ट के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप सप्लीमेंट्स के थ्रू जो है ट्रीट करने की कोशिश करें उस वक्त पे जब आप प्रेग्नेंट नहीं है, तब आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप बिल्कुल डॉक्टर्स के जो आपको बताते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट जो बताती हैं, उसके अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि मैं किसी भी डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये एक रिसर्च है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और ये बहुत यूजफुल है। काफी लोगों को इससे आराम आ चुका है अब तक, और मैंने तो खुद अपने आप को ट्रीट ही इस तरह किया था। वेट भी रिड्यूस होता है आपका, बेसिकली आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ध्यान रखिए अपने गट का, अपने मेटाबॉलिज्म का, अपने वर्कआउट का, अपनी डाइट का और अपनी जो न्यूट्रिएंट है उनका भी ध्यान रखिए, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको ऐसी होगी नहीं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और फिर मिलूंगी मैं अपने किसी दूसरे जो थायराइड लैब टेस्ट का एक और पैटर्न है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और मुझसे आप लोगों ने बोला है कि टीपीओ एंड टीजी जो एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है उसके लिए भी आप एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल मैं उसके लिए वीडियोस भी बनाऊंगी, उसकी रेमेडीज भी आप लोगों को बताऊंगी और किस तरीके से आप उसको ओवरकम हो सकते हैं उससे विदाउट एनी मेडिकेशन, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे डॉक्टर्स को देखा है, अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा बनते हैं, एंटीबॉडीज वैसे काम कैसे करते हैं, जैसे आपकी आपका शरीर किसी बीमारी से ग्रस्त है या फिर आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो आपकी आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो होते हैं वो बनने लग जाते हैं, तो ताकि वो उससे लड़ सके। लेकिन अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह की कोई एलर्जी भी नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप ही की बॉडी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, स्पेशली ये हॉर्मोन्स के साथ जब ये स्ट्रेस की वजह से ज्यादा होता है जो रिसर्च में आया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैंने देखा है कि वो आपकी जो एंटीबॉडीज होते हैं उनको सप्रेस करने के लिए मेडिसिन देते हैं। ओ माय गॉड, अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को सप्रेस करने के लिए मेडिकेशन आपको दिया गया तो उसके बाद क्या होगा, अगर आपको कोई बीमारी होती है, कोई इन्फेक्शन, कोई एलर्जी होती है, तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज तो सप्रेस हो गए, तो वो लड़ेंगे कैसे। ये जो स्ट्रेटेजी है ये मुझे समझ में नहीं आती, तो इससे अच्छा है, इस तरह की मेडिकेशन पे जाने से अच्छा है कि आप उसको नेचुरली ट्रीट और ठीक करने की कोशिश कीजिए, अगर आपके एंटीबॉडीज का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो। तो फिर मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट इसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।